गुड मॉर्निंग बच्चों, हम आज फिर से हाजिर हैं और आज हमें कवर करना है लाख की चूड़िया का सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा जिसमें लेखक अपने बचपन में मामा के गांव जाते हैं और वहां बदलू से मिलते हैं। बदलू उनका रिश्ते में तो मामा लगता है लेकिन वो उसको भी काका कहते हैं क्योंकि गाँव के दूसरे बच्चे उनको काका कहते थे। फिर वो आगे बताते हैं कि बदलू से उनका रिश्ता कैसा है, फिर वो बदलू क्या क्या करता है और बदलू को वो क्यों पसंद करते हैं क्योंकि वो रोज़ उन्हें एक दो गोलियां बनाकर देता था। और इस तरह से उनके बारे में बताते हुए फिर आगे बताते हैं कि एक दिन अचानक से उनके पिता का ट्रांसफ़र हो जाता है जो बहुत दूर होता है और उसके बाद से वो अपने मामा के घर नहीं जा पाते हैं। फिर 8-10 साल बाद अपने मामा के घर जाते हैं, फिर वो देखते हैं कि काफ़ी कुछ बदल गया है। औरतें अब लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं, अब कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। और फिर उसे धीरे धीरे एक अचानक से एक दिन उनके मामा के घर में घटना घटती है। उनकी मामा की छोटी लड़की जो होती है वो आंगन में गिर जाती है और उसके हाथ में जो कांच की चूड़ी पहन रखी होती है वो टूटकर उसके हाथ में घुस जाती है, जिसकी वजह से उसका खून बहता है और उसकी मरहम पट्टी लेखक को करानी पड़ती है क्योंकि मामा घर पर नहीं होते हैं। और ये सब चीज़ें होने के बाद उन्हें अचानक से बदलू की याद आ जाती है और फिर वो सोचते हैं कि बदलू से मिल कर आऊँ। फिर वो जाकर बदलू से मुलाकात करते हैं और बातें करते हुए कहते हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बदल गया। फिर वो पूछते भी हैं कि आजकल क्या आप काम नहीं करते हैं। तो फिर बदलू उन्हें बताता है कि आजकल मशीनी युग है, आजकल सब काम मशीन से होता है, अब लोग मशीनों से बनी चीज़ों को पसंद करते हैं और मशीन आदमी से ज़्यादा सुंदर कांच की चूड़ियाँ बनाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। पिछले पार्ट में हमने जितना देखा कि उसमें वो बता रहा है कि लाख की चूड़ियाँ जो है अब लोग पसंद नहीं करते हैं, कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा सुंदर होती है, मशीन उसे और सुंदर से बनाता है और लोग भी उसे पसंद करते हैं। लेकिन फिर वो कहता है कि लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है। वो कहता है कांच यानी शीशा ग्लास, तो कहता है कांच बड़ा खतरनाक होता है, कांच जो है वो डेंजरस होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा तो लेखक कहते हैं कि कांच तो बड़ा खतरनाक होता है, वो जल्दी टूट जाता है। अगर आप देखेंगे तो बैंगल्स और कांच की बनी जो चूड़ियाँ होती है दोनों में कांच की चूड़ियाँ आसानी से टूटती है, बैंगल्स आसानी से नहीं टूटते। तो लेखक बदलू की ओर से बदलू को थोड़ा सांत्वना देने के लिए वो कहते हैं कि कांच तो बड़ा खतरनाक होता है, वो बड़ी जल्दी टूट जाता है, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। और फिर बदलू जवाब देते हुए कहता है कि नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला, और वो नाजुक तो होता ही है, यानी उसके कहने का मतलब यह है कि वो तो नाजुक होता है, कोमल होता ही है, इसलिए वो टूट जाता है। और ये कहते कहते उसे खांसी आ जाती है और वो काफ़ी देर तक खांसता रहता है। मुझे लगा उसे दमा है, दमा यानी सांस लेने में जो बीमारी होती है ना उसको दमा कहते हैं। ठीक है, तो उसको खांसते हुए देखकर लेखक को ऐसा लगा कि जैसे उसको दमा की बीमारी है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। और कहते हैं कि अवस्था यानी उसके जो कंडीशन थे वो इकोनॉमिक कंडीशन तो एक था ही जो उसका अब खराब हो गया था, और उसके साथ साथ उसकी शरीर भी अब काफ़ी ढल चुकी, यानी वो अब बूढ़ा हो चुका है, उसके शरीर काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और उसके हाथ और माथे पर जो नसें उभर आई है, यानी हम देखते हैं ना जब हमारे हाथों पर देखेंगे तो आपके नसें नज़र आएंगी। ठीक है, या फिर सिर पर नस नज़र आता है, तो कह रहे हैं कि उसके सिर और हाथों पर नस दिखाई देने लगी थी, ऊपर से उभर आई थी यानी दिखाई देने लगी थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने दो महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। और लेखक कहते हैं कि पता नहीं उसने कैसे ये सोच ली, ये समझ गया कि मैं ये सोच रहा हूँ कि उसे दमा है। और वो उसका उत्तर देते हुए कहता है कि मुझे दमा नहीं है, यानी मुझे दमे की बीमारी नहीं है, ये तो बस एक नॉर्मल सी खांसी है जो महीने दो महीने से हो गई है और अगले 10-15 दिन में ठीक भी हो जाएगा। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। फिर लेखक कहते हैं कि मैं चुप रहा और मुझे लगा कि शायद उसके मन में बहुत ज़्यादा कुछ गहरा दुख छुपा हुआ है, क्योंकि लेखक को तो पता था कि बदलू जो था उसको अगर जीवन में किसी चीज़ से चिढ़ थी, किसी चीज़ से गुस्सा आता था तो वो बस कांच की चूड़िया थी, लेकिन आज उसका सारा काम धंधा बंद हो गया और सब लोग कांच की चूड़िया पहनने लगे हैं। तो उसे लेखक को लग रहा था कि उसके मन में कुछ दर्द है, व्यथा है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर वो थोड़ी देर बाद सोचने लगे कि इस मशीनी युग ने, हम सब जानते हैं कि आज
ज़्यादातर काम मशीनों से होता है, आदमी की नौकरी चली गई इसके चक्कर में, बहुत लोग बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। अब एक मशीन हजारों लोगों का काम आसानी से कर देती है। पहले जो खेत जो लोग किसान जाकर बैल से या हल लेकर जोतते थे, अब उसको ट्रैक्टर से जोत दिया जाता है, और जो काम करने में दो बैल और एक आदमी लगता था, अब वो अकेला ट्रैक्टर एक आदमी जाता है और उस ट्रैक्टर को ले जाकर पूरा का पूरा खेत जोत देता है। यानी बहुत सारे काम जो है अब मशीनों ने लोगों से छीन लिया, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, हाथ काट दिए यानी अनएम्प्लॉयड हो जाना, उनका काम छीन लिया गया है, मशीनों ने लोगों के काम छीन लिया। यानी लेखक यही सोच रहे थे कि इस मशीनी युग ने, ये जो मशीनों का जो युग चला है जहाँ हर काम मशीन से होता है, इन्होंने पता नहीं कितने लोगों के जो काम है वो उनसे छीन लिया है। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी, और फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर तक दोनों शांत हो गए, दोनों ने कुछ नहीं कहा, और जो लेखक को अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका, कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अब लेखक समझ रहे हैं कि बदलू को शायद दुख हो रहा है इस बात के लिए, इसलिए उन्होंने बात को बदल दिया और उनसे पूछा कि अब आम की फसल कैसी हो रही है, अब आम की खेती कैसी हो रही है। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जू लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर कहते हैं कि हाँ वो तो बहुत अच्छा हो रहा है, लहक कर यानी बहुत खुशी से उसको जवाब दिया, और कहते हैं कि हाँ वो तो बहुत अच्छी खेती हो रही है, और ये कहते हुए उसने अपनी बेटी को आवाज़ यानी बेटी को बुलाया, बेटी का नाम रज्जो है, और कहते हैं कि रज्जो लल्ला के लिए आम तो लेकर आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। फिर मेरी ओर मुखातिब होते यानी मुझे देखते हुए कहते हैं कि माफ़ कर देना लल्ला, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल ही गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं, वाह वाह बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। फिर लेखक उनको जवाब देते हैं कि नहीं नहीं इस बार तो मैंने आम बहुत खाया, कोई बात नहीं। लेकिन फिर बदलू जवाब देता है, अरे क्या बात कह रहे हो, मैं तुम्हें बिना आम खिलाए कैसे भेज सकता हूँ। मैं चुप हो गया, मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। फिर लेखक थोड़ी देर चुप रह गए और उन्हें वो दिन याद आने लगी जब बचपन में उनके लिए बदलू मलाई बचा कर रखा करता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। फिर लेखक उनसे पूछते हैं कि गाय अच्छी है। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। फिर बदलू जवाब देता है कि नहीं गाय अब कहाँ रहेगी, गाय तो मैंने 2 साल पहले ही बेच दिया, अगर वो यहाँ रखता मैं गाय को तो गाय को मैं क्या खिलाता, क्योंकि अब तो उसका काम बंद हो चुका है, अब गाय को खिलाने के लिए चारा नहीं खरीद सकता था, और उसके शरीर भी ढलाए थे इसलिए वो अब घास काट कर उसे नहीं ला सकता था। यानी वो कहना चाह रहा है कि अब मैं उसे खिला पिला नहीं सकता था इसलिए मैंने उसे 2 साल पहले ही बेच दी। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई, और इतना बात हुआ ही था कि उसकी जो बेटी है रज्जो वो अंदर से एक डलिया में बहुत सारा आम लेकर आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। फिर लेखक ने उस आम को देखकर कहा कि यह तो बहुत ज़्यादा है, मैं इतना थोड़ी ना खा पाऊंगा। वाह वाह, वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुने आम एक बखत में खा जाता था। और फिर बदलू थोड़ा मजाक करते हुए कहता है, अरे तुम शहर के बच्चे हो ना इसलिए ऐसा कह रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारी उम्र में था तब तो इतना आम तो मैं एक टाइम में खा जाता था, एक बखत यानी एक टाइम में, ठीक है, एक बार में अगर आम खाने बैठता था तो इतना आम खा जाया करता था पहले। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। फिर लेखक कहते हैं कि आप लोगों की बात और है, यानी आपकी बात और है, मेरे साथ उसकी तुलना मत कीजिए। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना, देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। फिर वो अपनी बेटी से कहता है कि ठीक है इसमें से 4-5 आम छांट लो, यानी अच्छे अच्छे आम चुनकर लल्ला को दे दो, देखो लल्ला कैसे हैं। फिर वो लेखक से कहता है कि देखो लल्ला ये कैसे आम हैं, ये इसी साल, ये जो पेड़ है जिस पेड़ से ये आम निकले हैं ये पेड़ इसी साल तैयार हुआ, यानी इसी साल इसमें आम फला है। रज्जो ने 4-5 आम अंगुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए, आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। और फिर रज्जो यानी जो उसकी बेटी है वो 4-5 आम चुनकर लेखक की ओर बढ़ाते हैं, और लेखक हाथ बढ़ाते हैं उसे लेने के लिए, उसी समय उसके हाथ देखकर वो थोड़ी देर ठिठक जाते हैं यानी रुक जाते हैं। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़िया बहुत ही फव रही थी, और जो बदलू की जो बेटी है उसने लाख की चूड़िया पहन रखी थी, तो कह रहे हैं कि गोरी गोरी कलाइयों पर यानी जो गोरा रंग का यानी सफ़ेद हाथों पर लाख की चूड़िया बहुत फव रही थी यानी बहुत सुंदर लग रही थी।
बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। और फिर लेखक जब उसकी बेटी के हाथों पर जब वो लाख की चूड़ियों को देख रहे थे, तब बदलू भी उन्हें देख लिया और वो समझ गया कि वो क्या देख रहे हैं। और फिर कहते हैं, बदलू कहता है लेखक से कि यही आखिरी लाख की जोड़ी है, लाख की चूड़ियों की जोड़ी है जो मैंने बनाया था, और ये जमींदार साहब की बेटी के विवाह के समय मैंने इसे बनाया था। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। और जमींदार साहब जो थे वो उन लाख की चूड़ियों के लिए 10 आना दे रहे थे। 16 आने का 1 रुपया होता था पहले, तो उसे 10 आने मिल रहे थे। ठीक है, तो वो हम सबको पता है कि वो कभी भी अपने चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। शादी में आके मामले में भले वो पैसे रख लेता था, लेकिन पैसे सिर्फ पैसे से अपनी चूड़ियाँ नहीं बेचता था। लेकिन जमींदार साहब उसे सिर्फ 10 आने दे रहे थे, इसलिए उसने वो नहीं दिया और उनको कह दिया कि आप जाकर शहर से अपने लिए चूड़ियाँ ले आइए, मैं आपको नहीं दे सकता। यानी वो उसे डील पसंद आई नहीं। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। और फिर लेखक क्या कह रहे हैं कि मैंने आम ले लिए थे और थोड़ी देर वहीं पर बैठकर खाया और फिर मैं चला आया घर पे। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। और अंत की 2 लाइन में मेन मैसेज देते हुए लेखक कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई ये बात जानकर कि उसने जमींदार साहब, जमींदार जो बहुत धनी आदमी होता है ना, जिसके पास बहुत ज़्यादा जमीन होता है, उसको जमींदार कहते हैं। तो जमींदार हम आजकल क्या करते हैं, हम तो अपने जीवन में जो भी अमीर आदमी मिल जाता है, बड़ा आदमी मिल जाता है, हम उसके हर बात मानने लगते हैं। तो देखो, एक तरफ बदलू का सारा काम बंद हो चुका था, उसकी इनकम बंद हो चुकी थी, उसका जीवन अब खराब होते जा रहा था, फिर भी वह अपने पैसे से, अपने प्रोफेशन से समझौता नहीं कर रहा था। वह जो अपने लाख की चूड़ियों की जो कीमत थी उसकी नज़र में, उसके दिमाग में, वह उसे कम नहीं करना चाहता था। और इसलिए उसने, उसके जीवन में पैसों की कमी थी, उसके घर में पैसों की कमी थी, लेकिन वह अपने प्रोफेशन को नीचे नहीं गिरने देना चाहता था। और इसलिए वह जमींदार साहब को 10 आने में अपनी लाख की चूड़िया बेचने से मना कर देता है। यानी लेखक कह रहे हैं कि वह हार कर भी हार नहीं माना था। यानी वो उसे जीवन में बहुत सारी समस्या आ गई थी, लेकिन उसने अभी कभी भी अपने प्रोफेशन को नीचे नहीं गिरने दिया। उसने अपने हाथों से बनाई लाख की चूड़ियों की कीमत कभी कम नहीं होने दी। ठीक है, और कहते हैं कि उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। और कहते हैं कि उसका जो कैरेक्टर था, वो जो आदमी था, उसका जो बिहेवियर था, वो कांच की चूड़ियों की तरह नहीं थी जो आसानी से टूट जाती। वो जो आदमी था वो बहुत जीवन में बहुत सारे समस्याएं दुख झेल रहा था, लेकिन अभी कभी भी अपने प्रोफेशन से कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अपने द्वारा बनाई हुई चीज़ों को उसने कभी भी अपने फायदे के लिए बेचने की कोशिश नहीं की। यानी वो कह रहे हैं कि वो जो आदमी था वो बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ था, वो अपने प्रोफेशन के प्रति बहुत सजग था, वो अपने डिसीजन पे बहुत कायम था और उसने हार नहीं मानी है अपनी समस्याओं को देखकर। यानी वो कह रहे हैं कि वो कांच की तरह कोमल नहीं था जो आसानी से टूट जाता। उसने सारी समस्याएं झेली, लेकिन कभी भी अपने प्रोफेशन से कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उसने अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ों की वैल्यू कभी कम होने नहीं दिया। तो ये था पूरी कहानी में, जिसको लिखा है कामतानाथ जी ने। और इसमें बचपन से लेकर अपने बड़े होने की कहानी बताते हैं और उसके दौरान किस प्रकार बदलू का जीवन बदलता है, बदलू किस प्रकार एक समय अपने करियर के टॉप पर होता है और धीरे धीरे मशीन के आ जाने की वजह से उसका करियर किस तरह खराब होता है, इस बात को बताते हुए लेखक ने बड़ी सुंदरता से ये जो हमारे जीवन में, हमारे इस दुनिया में जो मशीनों का युग आया है, जहाँ हर काम मशीनों से किया जाता है और लोगों को ये पसंद भी आता है क्योंकि ये पैसे बचा देता है और टाइम बचा देता है, लेकिन इस मशीन के आने की वजह से कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, कितने लोग बेकार हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, इस बात की कोई चिंता नहीं कर रहा। इस बात पर जोर देते हुए लेखक ने इस कहानी में बड़ी सुंदरता से इस समस्या को हमें बताया है और बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से पूरी कहानी को लिखा है। हम कहीं भी कहानी में बोर नहीं हुए और बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज भी दे दिया कि ये जो मशीनों का युग है, जहाँ मशीन सारे काम किए जाते हैं, वो एक तरह तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ वो हम ही लोगों के लिए बहुत ख़राब भी है, जो गरीब लोगों की जो काम है उनसे वह छीन ले रहा है, अब वो लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं। तो ये था पूरी कहानी में, पूरी कहानी का अर्थ यही है। और इसके क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे, आपको 1 या 2 दिन में आपको ध्वनि चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, उसके बाद आपको लाख की चूड़ियों का क्वेश्चन भी उसके 1-2 दिन बाद मिल जाएंगे। तो ठीक है, हम अगले वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन और आंसर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।